Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Students, today we are going to start our new chapter, that is the chapter number 12, which is the geometrical optics. Yeah, इसको हम light का chapter भी कह सकते हैं क्योंकि हम इससे light के different phenomena पढ़ेंगे और different light के जो है वो instruments भी पढ़ेंगे, human eye का भी पढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जो बेस है हमारा टू डील विद लाइट ऑर्गन जो लाइट के साथ डील करता है विच इज आई, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे और डिफरेंट फिनोमिनल्स के लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, डायफ्रैक्ट करती है और लॉज पढ़ेंगे इसके लिए हम के इसमें कौन कौन से लॉज जो है वो यूज होते हैं जो है वो रिफ्लेक्शन में, तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसके जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी. बहुत ही इजी एग्जांपल दूंगी लाइट रिफ्लेक्शन की कि आप जो है वो मिरर में अपना इमेज देखते हो तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसके लिए हमें कुछ चीजें जो है वो पढ़नी है कि रिफ्लेक्ट करने की कंडीशंस क्या क्या है, कब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन होती क्या है, रिफ्लेक्शन होती ये है कि आपकी लाइट रे एक मीडियम से ट्रेवल करे और दूसरे मीडियम के साथ हिट करे और कुछ पार्ट उसका बाउंस बैक हो उसी मीडियम में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन. लाइक मीडियम का क्या मतलब, मीडियम मतलब एयर और आगे आपका मिरर है, ठीक है, मिरर इज अनदर मीडियम, ग्लास है ना. सो एयर में से लाइट ट्रेवल कर रही है और आपके मिरर के साथ जो है वो हिट कर रही है, देन इट बाउंस बैक और उसी मीडियम में दोबारा वापस रिटर्न हो रही है. तो बिफोर डूइंग बिफोर अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले हम ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है और मीडियम्स क्या क्या चीजें होती है. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं इंसिडेंट, बल्कि पूरा ही लिख लेते हैं ताकि आपको इंसिडेंट रे, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, देन नॉर्मल क्या है, ठीक है, ओके. एक सरफेस ले लेते हैं हम, मिरर सरफेस, ठीक है, कोई सा भी ग्लास जो कि जिसकी शाइनी सरफेस है और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होना है इसे. और हम एक कंसिडर कर लेते हैं कि ये रे इसके ऊपर हिट कर रही है और दिस रे इज नेम एज, जो आपकी बुक में हम वही ले लेते हैं, ए ओ, जिस पॉइंट पे ये हिट कर रही है उस मिरर को जाके वो हम वो ओ ले रहे हैं, ठीक है. उसके बाद ये बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज दिस इज अ शाइनिंग सरफेस और शाइनिंग सरफेस से आपको पता है कि जो रेज जो है वो जाती है ऑब्वियसली उसी मीडियम में जो है वो बाउंस बैक हो जाती है क्योंकि वो आगे ट्रेवल नहीं करती, उसको पास नहीं करती. इसको हम ले लेते हैं बी, दिस इज योर मिरर ओ एम, ठीक है, और इसको हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड लाइन से है. जी, ये डॉटेड लाइन से है क्योंकि डॉटेड लाइन जो है हम इमेजिनरी कंसिडर करते हैं, दिस इज नॉट रियल, तो हम अपने समझने के लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ओ एन, दिस इज नॉर्मल. नॉर्मल का वर्ड क्या है, नॉर्मल जब भी कोई चीज आती है तो उसका मतलब ये है कि इस तरह से जो दोनों तरफ से 90 डिग्रीज का एंगल बनाए सरफेस के ऊपर वो नॉर्मल होती है, दैट इज परपेंडिकुलर. दूसरा वर्ड नॉर्मल का है परपेंडिकुलर. अच्छा जी, अब ये जो रे है, दिस रे ओ ए इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे और दिस रे दैट इज रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ओ बी. अच्छा, इसमें एरोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोज आप डालें तो ये, क्योंकि पता चले कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से जा रही है. प्रैक्टिकल में जब आप ये एरोज नहीं डालते
तो आपके फिर मार्क्स कटते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको शो कीजिए कि लाइक यहाँ से आ रही है और बाउंस बैक हो रही है वहां पे, ठीक है। ओके नाउ देन दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, क्योंकि एंगल है और आपने मैथ्स में पढ़ के तो पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो इनफैक्ट नाइन्थ में कि आपने एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। और द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद अब आपने पढ़ना है, अगली हेडिंग देनी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोबारा से बताती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। नाउ ये अब आपने सारी चीजें पढ़नी है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल रे क्या है। सो इसके आगे जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। जी तो वी हैव स्टडीड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंड वी आल्सो हैव स्टडीड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, पहले डेफिनेशन हमने पढ़ ली, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या थी, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, देन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम, ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड हिट टू द अदर मीडियम एंड बाउंस बैक टू द सम ऑफ इट्स पोर्शन बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है कि जा रही है और आ रही है, ठीक है। और उसके बाद अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ कम्स टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं। नंबर वन, दैट इज दिस इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल के दरमियान ड्रॉ हो रहा है, ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान ड्रॉ हो रहा है, दे मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये 30 का है, ये 30 का, तो ये भी 30 का होगा, ये 40 का है, ये भी 40 का होगा, 50 का है, ये भी 50 का होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। और सेकेंड थिंग इज दैट ये तीनों लाइन्स, दैट इज लाइन ए ओ, लाइन ओ एन, लाइन ओ बी, दैट इज इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दीज all of them, these both of sorry both to isko nahi kahenge, these three lines must lie in the same plane. ye kya plane hai, this is x and this is y, y dash and x dash, to ye x y plane hai pura, theek hai, to ye guys plane mein honge ya isme isme, to ye sare jo hai wo ek hi plane mein lie karenge, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइक लाइक दिस कि आपकी दो रेज इस प्लेन में लाई करें और तीसरी जो है वो परपेंडिकुलर आ जाए इधर इस जगह पे, नहीं ऐसा नहीं होगा, तीसरी लाइन भी इसी जो है वो प्लेन में लाई करेगी, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद इंसिडेंट रे की डेफिनेशन हमने पढ़ी, रिफ्लेक्टेड रे की, नॉर्मल की, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पढ़ी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर लॉज, लॉज पहला क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर टू क्या है ओ ए, ओ एन, ओ एन, ओ बी मस्ट लाई इन सेम प्लेन, सारे के सारे जो है वो सेम प्लेन में लाए करेंगे, मतलब वाई जेड जेड एक्स में नहीं होंगे, एक्स वाई में है तो एक्स वाई पे रहेंगे, ठीक है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी साथ ही मर्ज कर लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का
क्या मतलब है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब ये क्या है, किस तरह की जाए? दो टाइप्स की रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर जो प्रॉपरली आपके मिरर से शीशे से होती है, ठीक है, जाती है वेव्स और शाइनिंग सरफेस से होती है, और कुछ रिफ्लेक्शन आपकी कुछ रफ सरफेसेस से भी होती है, ठीक है। लाइक आप कभी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हैं और आपका रोड इज नॉट अ स्मूथ सरफेस, नॉट अ शाइनी सरफेस, लेकिन उसमें से भी ग्लेयर आता है, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होती है आपकी आईज में, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है वो घर में कोई वॉल है उसके ऊपर कोई शाइनी सरफेस नहीं है, ठीक है, इवन देन आपका जो है वो सूरज उस वॉल के ऊपर टकराता है लेकिन आपको रोशनी दूसरी तरफ भी उसके हिट करने की वजह से रोशनी दूसरी तरफ फील होती है लेकिन प्रॉपरली फील नहीं होती, ठीक है। तो जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट लाइट रेज फ्रॉम properly shiny surface is called regular surface. ये गई shiny surface है, mirror है, light गई और light आई, और irregular reflection क्या होगी फिर? इसके साथ आप example भी दोगे, example heading डालेंगे, ठीक है। और number two is irregular, irregular रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसमें भी आप एग्जाम्पल साथ देंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सम इरेगुलर सरफेसेस। इसमें देखिए अब ये आई, इसमें इधर इधर बाउंस बैक होगी, ठीक है, ये वाली रे आई, ये इधर बाउंस बैक होगी, ये रे आई, ये इधर बाउंस बैक होगी, लेकिन यहाँ पर जितनी भी रेज आएंगी सारों का एक ही एंगल, सारों का रिफ्लेक्शन सेम, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेगुलर सरफेस या स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ डल और सम अप एंड डाउन जिसमें जर्क्स होते हैं सरफेस में उसमें से जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर, टुडेज टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। If you have some queries, questions about this topic, you can ask me. Please, you have to subscribe my channel, share the video, press the bell icon. Thank you very much.